नमस्कार दोस्तों, एंटरप्रेन्योर्स गाइड में आपका फिर से स्वागत है। अक्सर हम किसी दोस्त को या जानने वाले को कुछ काम बताते हैं पर वो मना कर देते हैं। दोस्तों, क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है? ऐसे में आप क्या करेंगे, किस तरह अपनी बातों को मनवाएंगे? दोस्तों, इसी प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए हम आज द साइकोलॉजी ऑफ पर्सुएशन बुक की समरी लेकर आए हैं। डॉक्टर रॉबर्ट सियाल्डेनी, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कई सालों की रिसर्च से ये पता किया है कि लोग किसी भी काम के लिए हाँ कब बोलेंगे। ऑथर ने इस बुक में ऐसे 6 प्रिंसिपल्स बताए हैं जिनको यूज करके हम किसी से भी अपने काम करवा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये 6 प्रिंसिपल्स। फर्स्ट, रेसिप्रोकेशन यानी लेन देन। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में लेन देन चलता रहता है। ये लेन देन का मतलब सिर्फ सामान देना या लेना नहीं है, इसका मतलब है कि आप हेल्प करें। अक्सर दोस्तों के बीच पार्टी वगैरह चलती रहती है। अगर किसी दोस्त ने हमें पार्टी दी है तो हम भी कभी ना कभी उसे रिटर्न में पार्टी जरूर देते हैं। अगर किसी दोस्त ने हमारी हेल्प की है तो हम भी जरूर उसकी हेल्प करते हैं। इसी को रेसिप्रोकेशन कहते हैं। इस रूल को आप अपना काम करवाने में यूज कर सकते हैं। इस बार आप पहले हेल्प करें, जितना हो सकता है हेल्प करते रहें, ताकि आपके अच्छे रिलेशन बन जाएं और जरूरत पड़ने पर आपको भी हेल्प मिले। यही लेन देन है। पर यहाँ नेगेटिव ना सोचे कि मैंने तो हेल्प कर दी पर मेरी हेल्प नहीं कर रहा। पहले देने वाले बने और तभी वापस पाने की उम्मीद करें। सेकंड, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी, यानी कि हर बार अपना वादा निभाना। दोस्तों, लोग उस आदमी की बात मानते हैं जो हर बार अपना वादा निभाते हैं। ऐसा आदमी जो बड़े बड़े प्लान्स बनाता है लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए कुछ नहीं करता, लोग उस पर विश्वास नहीं करते। लोग उस नेता को ज्यादा वोट करते हैं जिसने अपना वादा निभाया हो। उस डॉक्टर के पास जाना पसंद करते हैं जिसने बार बार आपको ठीक किया हो। उस टेक्नीशियन को हायर करना चाहेंगे जो ठीक से अपना काम करता हो। किसान को लोग महान क्यों मानते हैं? क्योंकि वो बार बार लोगों को अनाज प्रोवाइड करता है। इसके लिए वो दिन रात कड़ी मेहनत करता है, इसलिए कोई भी किसान को कभी भी बुरा नहीं कहता। बड़े बड़े राजा को बुरा बोल सकते हैं पर किसान को नहीं। इसलिए आप भी अगर किसी से कोई वादा करते हैं तो उसे जरूर निभाएं। इससे सामने वाले पर आपके लिए ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। वादा भी उस काम के लिए ही करें जो आप निभा सकते हैं। पहुंच से बड़े वादे और दावे न करें। इससे लोग आप पर विश्वास करेंगे और आप जब भी उन्हें किसी काम के लिए बोलेंगे तो वो ना ही कहेंगे। थर्ड, सोशल प्रूफ मतलब सोसाइटी में आपका स्टेटस। लोग उस आदमी की बात ज्यादा मानते हैं जिसके पास सोशल प्रूफ होता है। किसी नेता को अगर कुछ लोग पहले ही अच्छा बोल रहे हो तो बाकी लोग भी उसे अच्छा बोलेंगे, फिर चाहे आप उसे जानते हो या नहीं। किसी बार में लड़कियां उस लड़के को ज्यादा पसंद करती हैं जिसके आसपास पहले ही 2-4 लड़कियां खड़ी हों, क्योंकि उन्हें लगेगा शायद वो लड़का अच्छा है, इसलिए सब उससे बात कर रहे हैं। इस तरह आप भी अपना सोशल प्रूफ डेवलप करें। क्या आपके आसपास जो दोस्त रहते हैं वो आपके बारे में अच्छी राय रखते हैं या आपको बेवकूफ समझते हैं? क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे ये दोस्त पहले ही लोगों को बता देंगे कि आप कोई काम ठीक से करेंगे या नहीं। इसलिए दोस्तों या कलीग्स में अपनी रेपुटेशन ठीक बनाएं। अगर आपकी छवि अच्छी होगी तो कोई भी आपकी बात मानने को तैयार हो जाएगा। फोर्थ, अथॉरिटी आपका एक्सपर्ट होना। कोई भी इंसान किसी एक्सपर्ट आदमी की बात बहुत जल्दी मान लेता है। जैसे प्रिंसिपल की बात सब टीचर्स मान लेते हैं, बॉस की बात सब एम्प्लॉयज मान लेते हैं, पुलिस की बात सिटीजन्स को माननी पड़ती है, सारे पेशेंट्स डॉक्टर की बात मानते हैं, क्योंकि ये सब लोग अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं और इनके पास अथॉरिटी है। लेकिन कोई आम आदमी अथॉरिटी कैसे डेवलप कर सकता है? इसके लिए आपको डॉक्टर, टीचर, पुलिसमैन ये सब बनने की जरूरत नहीं है। बस आपको किसी भी फील्ड में ज्यादा नॉलेज हासिल करना है। ऐसा आप बुक पढ़कर भी कर सकते हैं या फिर बुक समरी भी सुन सकते हैं, जो आप अभी कर रहे हैं। मैंने भी अपने इस चैनल के थ्रू अथॉरिटी डेवलप करने की कोशिश की है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन दे वो सिंपल और सटीक हो, जिससे आपको समझने में आसानी हो। हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको नॉलेज भी मिले और आप बोर भी ना हो।
आप ऐसे ही बुक समरीज सुनते रहें और अपने आप को और इस चैनल को ग्रो करते रहें। आपके लिए हम मोटिवेशन बुक समरीज लेकर आते हैं और वीडियोस को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करते रहें। आप इन बुक्स को और अलग अलग लैंग्वेज में सुनने के लिए कुकू FM ऐप का भी यूज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आपको स्टार्टअप बिजनेस या कंपनी शुरू करनी है तो 0 to 1 पढ़ें। फ्रेंड्स से रिलेशन अच्छे रखने हैं तो हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल पढ़ें। किताब पढ़कर या फिर समरी सुनकर आप भी एक अथॉरिटी डेवलप कर लेंगे, उस फील्ड के एक्सपर्ट बन जाएंगे। हमारा सजेशन है कि आप बुक्स जरूर पढ़ें, क्योंकि 300 पेज की बुक को 15 मिनट में हम एक शॉर्ट समरी में बता सकते हैं, पर इन डेप्थ नॉलेज के लिए आपको बुक्स पढ़नी जरूरी है। हमने आपके लिए इन सारी बुक्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से परचेज करें। 5th, लाइकिंग, दूसरों की पसंद। लोग उस आदमी की बात हमेशा मान लेते हैं जिसे वे पसंद करते हैं। तो लोग कैसे आदमी को पसंद करते हैं? 1st, जो अच्छा दिखे। अगर आप गंदे कपड़े पहनेंगे या बाल साफ नहीं रखेंगे तो क्या कोई आपको पसंद करेगा? इसलिए अपने कपड़ों और पर्सनैलिटी का खास ध्यान रखें। बहुत महंगे कपड़ों आदि की जरूरत नहीं होती, बस साफ सुथरे रहें और डिसेंट दिखें। 2nd, जो हमें क्रिटिसाइज न करे। किसी को भी अपनी आलोचना सुनना अच्छा नहीं लगता, इसलिए दूसरों के काम में बेवजह नुक्स न निकालें। कुछ गलती हो तो आराम से समझा दें। 3rd, जो हमें कॉम्प्लीमेंट दे। जो हमारी तारीफ करता है वो हमें अच्छा लगता है, इसलिए दूसरों के काम की दिल से तारीफ करें या कुछ अच्छा पहना हो तो कॉम्प्लीमेंट करें। इससे कोई भी आपको बहुत पसंद करने लगेगा। 4th, जो सहयोग दे। अगर आप दूसरों की बात का समर्थन भी करोगे तो भी वो आपको पसंद करने लगेगा। तो दोस्तों, ऊपर दी गई चीजों को इम्प्लीमेंट करें, इससे हर कोई आपको पसंद करेगा। फिर जब आप उनसे किसी काम के लिए हेल्प मांगेंगे तो वे आपकी हेल्प भी करेंगे। 6th, स्कैर्सिटी, किसी चीज का कम होना। दोस्तों, लोग उस चीज को बहुत जल्दी खरीदते हैं जिसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, उसकी वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होती है। जैसे गोल्ड है तो एक मेटल ही, लेकिन उसकी क्वांटिटी बहुत कम है, इसलिए वो लोहे की तुलना में इतनी महंगी बिकती है। ऐसे ही डायमंड्स के साथ है। आपने देखा होगा बहुत से एडवर्टाइजमेंट्स में बोला जाता है ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, इसलिए लोग जल्दी से उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। ऐसी कोई भी चीज जो लिमिटेड एडिशन में है या लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है वो ज्यादा बिकती है। इसलिए अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट बेचना है तो उसमें स्कैर्सिटी का फैक्टर जोड़ दें, इससे आपका प्रोडक्ट जल्दी बिकने लगेगा। तो दोस्तों, आपको इस बुक की समरी कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताएं और अपने सजेशन बताएं कि आपको कौन सी बुक की समरी चाहिए। बुक जरूर पढ़ें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू गाइज, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को इमीडिएटली लाइक और कमेंट भी कर दें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।